फोन पे प्ले स्टोर वर्सेस गूगल प्ले स्टोर। हाँ जी हाँ गाइज, फोन पे अपना खुद का प्ले स्टोर लेकर आने वाला है गूगल प्ले स्टोर के अगेंस्ट में। वो वाली बात अलग है कि फोन पे के खुद के अपने 450 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, और यहाँ पर उनको ऑलमोस्ट कवर किया जाए तो 45 करोड़ के समथिंग हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक बात ये भी है कि गूगल अपना खुद का एंड्रॉयड मार्केट के ऊपर डोमिनेट करता है। लगभग 97% जो स्मार्टफोन्स हैं एंड्रॉयड के अंदर, वो सभी के सभी गूगल प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं। और उसके बिहाफ में अगर ये सब लेकर आता है फ़ोन पे, तो क्या वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? और एक और बात है, जब कोई इंडियन ब्रांड है ना, जब अपना खुद की एप्लीकेशन भी लॉन्च करता है, तो उसमें इतनी सारी ऐड देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर तो प्ले स्टोर लॉन्च कर रहा है, कभी वो एड स्टोर ना हो जाए। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम इसी के पूरी बात करने वाले हैं, क्या सच में गूगल प्ले स्टोर को टक्कर दे पाएगा फोन पे प्ले स्टोर या फिर नहीं? आखिर वो कैसे काम करेगा, क्या इसके पीछे रीज़न हुआ, कैसे गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट किया इसके अंदर, और कैसे फोन पे अपना आगे लेकर आया, और यहाँ पर CCI भी आई, आखिर CCI क्या है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी इन्फॉर्मेशन जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गूगल अदायगियों का मामला वजारत खजाना और वजारत IT का दावा धरे का धरा रह गया। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर गूगल सबसे पहली चॉइस कैसे बनती है किसी भी यूजर की। तो यहाँ पर जब कोई कंपनी, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, जब कोई अपना स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, तो गूगल उनको कहता है कि आप जब भी स्मार्टफोन लॉन्च करते हो तो हमारी जो एप्लीकेशन है उनके साथ में लॉन्च कीजिए, वो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएंगी। जैसे कि गूगल का गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, गूगल मैप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, और काफ़ी सारी मैनी अदर एप्लीकेशंस जो गूगल की खुद की जो गूगल ऑन करता है, तो वो सारी की सारी प्री इंस्टॉल्ड आती हैं स्मार्टफोन्स के अंदर। फॉर किस लिए? क्योंकि गूगल खुद बोलता है फॉर बेटर एक्सपीरियंस, बेटर UI। बट बाद में एंट्री होती है CCI की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ये बताती है कि गूगल अपनी इन ऐप पेमेंट्स का 30% कमीशन चार्ज करता है। के साथ साथ में CCI ये भी कहते हैं कि गूगल को ना एक फेयर मैनर के साथ में बिजनेस रन करना चाहिए। आखिर वो कैसे? क्योंकि ये यूजर खुद से डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या डाउनलोड करना है, क्या नहीं करना है, उसको फ्री इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऐसे होती है गूगल की तरफ से जिनको हम कंप्लीटली अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन जिनको हम यूज़ भी नहीं करते। फोन पे ने एक और ई कॉमर्स कंपनी और लॉन्च कर दी है अगेंस्ट में, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अगेंस्ट। बट ब्रेकिंग गूगल डोमिनेंस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। डू यू रिमेंबर पेटीएम के साथ में क्या हुआ था 2020 में? हालांकि वो बात की कहानी है, लेकिन फिर भी सुन लो आप, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जब पेटीएम ने अपने काफ़ी सारे कैशबैक्स को अनाउंस किया था, IPL के साथ में टाइप किया था, वहाँ पर जो इंडियन प्रीमियर लीग है वहाँ पर उनके जो, जब भी आप वो देखोगे या फिर कुछ ऐसे सवाल जवाब होंगे तो वहाँ पर कैशबैक देखने को मिलेगा, रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो गूगल ने क्या किया था, टेक डाउन कर दिया था किसको, पेटीएम को। क्यों किया था? वो इसलिए किया था, उन्होंने बोला था ये कहीं ना कहीं गैम्बलिंग जैसी जो जैसी जो परिस्थितियां हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी वजह से गूगल ने टेक डाउन कर दिया पेटीएम को। पेटीएम ने अपना खुद का, खुद के एप्लीकेशन के अंदर ही एक प्ले स्टोर लॉन्च कर दिया, जहां पर आप अलग से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके उनका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद में पेटीएम के CEO आते हैं और उनकी तरफ से एक बयान आता है, अगर वो गूगल पे भी एक रिवॉर्ड्स देता है, कहीं ना कहीं वो भी अपने कैशबैक्स देते हैं, अगर हम भी दे रहे हैं तो हमें आपको क्या दिक्कत है। उसके बाद में गूगल का ऐसा कोई बयान नहीं आता है, तब पेटीएम वाले बोलते हैं दिस इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो पेटीएम वेंट अहेड एंड क्रिएट ए मिनी ऐप स्टोर It with its own app, it didn't hurt Google. ये तो हो गई पेटीएम की हिस्ट्री, बट पेटीएम के साथ जो हुआ वो तो अलग चीज़ थी। लेकिन उससे पहले की बात कर लूँ अगर मैं, तो वहाँ पर जब ये सब चीज़ें हो रही थी, सो CCI ने इसके ऊपर केस किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है जो कि बहुत गलत है, सबको मौका मिलना चाहिए, सभी यूजर्स का एक्सपीरियंस खुद के उस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि यूज़र को क्या डाउनलोड करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसको चाहिए, क्या इंस्टॉल चाहिए, कम्प्लीटली फ्री स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके बिहाफ पर यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट करती है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर। और जैसे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है तो यहाँ पर एक स्कीम आती है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के साथ में मिलकर
काफी सारे काम किए जाते हैं। और आत्मनिर्भर भारत आने के बाद में होता क्या है कि यहाँ पर जो सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक थोड़ा सा फ्रीली, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट मिल जाता है कि वो अपने खुद का एक ऐप स्टोर लॉन्च करें और स्मार्टफोन के साथ में दे दिया जाए। तो वहाँ पर होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा सभी स्मार्टफोन्स के अलग अलग एप्लीकेशन ऐप स्टोर होते हैं, जैसे वीवो का खुद का ऐप स्टोर है, ओप्पो का खुद का ऐप स्टोर है, रियलमी खुद का अपना ऐप स्टोर दे रहा है आज के टाइम पे, सैमसंग का गैलेक्सी स्टोर आ चुका है, एप्पल का तो ऐप स्टोर है ही अलग से। तो यहाँ पर सभी अपना अपना एक ऐप स्टोर, जैसे MI स्टोर आ चुका है, आपने देखा होगा, आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं चेक करना, आपके स्मार्टफोन में जरूर से एक अलग से ऐप स्टोर देखने को मिल जाएगा और आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो लेकिन मोस्टली हो भी जाता है। तो ये सारी चीज, और वो हो क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर गूगल डोमिनेंट करता है, गूगल खुद की मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। खुद का ऐप स्टोर, खुद का प्ले स्टोर तो डिलीट नहीं हो सकता, अनइंस्टॉल नहीं हो सकता, लेकिन दूसरों के प्ले स्टोर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं उसकी खुद की मोनोपोली भी होती है। बट मेजोरिटी ऑफ द ऐप डाउनलोड स्टिल गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिसेस जो हो रही थी, जो डिफ़ॉल्ट यूज़र एक्सपीरियंस जो मिल रहा था वो गूगल का मिल रहा था, दैट्स वाई इट्स पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशंस, जो प्ले स्टोर प्रोवाइड करने का प्रयास किया था ब्रांड्स की तरफ से, वो भी फेल हो गया। और उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है, क्योंकि गूगल के पास जो 3.5 मिलियन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, किसी भी ऐसे प्ले स्टोर के ऊपर इतनी सारी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से गूगल यहाँ पर इसका फ़ायदा भी उठा रहा है और इसकी वजह से लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं गूगल प्ले स्टोर को, ना कि किसी ऐसे ब्रांड वाले प्ले स्टोर को, Xiaomi प्ले स्टोर को, या फिर Oppo प्ले स्टोर, Realme प्ले स्टोर, या फिर एनी अदर प्ले स्टोर। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न और आता है, जो टेक एंथुजियास्ट हैं, जो टेक गेंस हैं, जो टेक एक्सपर्ट हैं, वो ये बताते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे हम ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो मेलसियस को, जो वायरसेस हैं उनको रिमूव कर देता है, ऐसी एप्लीकेशंस को हटा देते हैं, और लोग भरोसा भी करते हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात एक्सपर्ट्स बोल देते हैं, दूसरा ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसके ऊपर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है, और लोग ज़्यादातर एक तो ब्रांड के ऊपर भरोसा रहता है ये कि ब्रांड हमें इतना दिक्कत नहीं आने देगा, हमारे स्मार्टफोन के अंदर वायरस नहीं आने देगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कहीं ना फिर भी उनके थोड़े बहुत ब्रीच हो जाते हैं और वो अपना डाटा भी सेल कर लेते हैं, वो अलग बात है। बट लोगों को भरोसा एक तो पहले से ब्रांड के ऊपर रहता है, दूसरा यहाँ पर जो टेक एक्सपर्ट्स हैं वो बता देते हैं तो भरोसा काफ़ी ज़्यादा कायम रहता है, और दूसरे जो ब्रांड्स हैं, जो दूसरे जो गूगल प्ले स्टोर या फिर दूसरे वो प्ले स्टोर हैं, जो वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की प्ले स्टोर हो या फिर फ़ोन पे वाला जो आ रहा है, वो मतलब 24 के 24 घंटे आप इसको सब फुल सपोर्ट के साथ में यूज़ कर पाएंगे, लाइव चैट कर पाएंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, और 12 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो ये थोड़ा सा अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिया गया है फ़ोन पे प्ले स्टोर की तरफ से। आप यहाँ पर फ़ोन पे को एक और थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहता है प्ले स्टोर को लॉन्च करने में, क्योंकि यहाँ पर इंडस OS काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा आपने, ये सैमसंग के साथ में टाई अप करके भी रहा है और काफ़ी सारी जो अपना बाजार है इनका नाम सुना होगा, इनके साथ में भी रहता है। इट्स काइंड लाइक ए स्वदेशी वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। यहाँ पर इसके लगभग 4 लाख से ज़्यादा इसके अंदर जो एप्लीकेशन हैं वो लिस्ट हैं, इस प्ले स्टोर की बात कर रहा हूँ मैं, और लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा नंबर है, ऐसा तो नहीं है कि छोटा मोटा नंबर है, और सैमसंग वगैरह के साथ में इनके खुद के जो टाइप वगैरह वो भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, इंडस OS का नाम आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा एक रियल यूज़र को भी होने वाला है। देखो मोस्टली केसेस में क्या रहता है, लोगों को पसंद भी आती है जो एप्लीकेशन, उसके एक तो सबसे बड़ी बात हैबिचुअल हो चुके हैं लोग कि गूगल की ये एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल रखनी ही है, बहुत ज़रूरी है, एक तो मतलब माइंडसेट ऐसा हो चुका, माइंडसेट भी क्या करे, हर कोई यूज़ कर रहा है, तो जो रिलेटेबल जो यूज़र्स हैं सारे के सारे वहीं पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन, जैसे गूगल मीट की ही बात कर लो, तो गूगल ने इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया ना गूगल पे को, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है स्मार्टफोन्स के अंदर हम अपने गूगल पे को अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, जैसे मेरे पास एक रियलमी का स्मार्टफोन, उसके अंदर हम गूगल पे को अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं मेरे को ना चाहते हुए गूगल पे को ही यूज़ करना पड़ता है, अगर मैं गूगल पे को यूज़ ना करूँ तो फिर वो अनइंस्टॉल तो हो ही नहीं पा रहा है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती हैं कई बार, और ये कहीं ना कहीं ये बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, सिर्फ एक मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है,
काफी सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है जो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, जो गूगल प्ले स्टोर का यूज कर रहे हैं, जो इन सभी चीजों का शिकार हो रहे हैं। एट द एंड इसका फायदा कैसे होगा, अगर मान लो आपके स्मार्टफोन्स में आपके हिसाब से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली जाए, अब ये कैसे काम करेगा वी डोंट नो कैसे काम करेगा, बट ये ऐसा हो सकता है कि शायद से जैसे कि जब भी नया स्मार्टफोन आप लोगे तो आपको पहले से ही प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको गूगल प्ले स्टोर चाहिए या फिर फोन पे प्ले स्टोर चाहिए, तो वह आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन ये रहेगा कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन चाहिए, उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ऐसी हो सकती हैं जो स्मार्टफोन्स डायलर हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, वो चीज़ें जो भी प्ले स्टोर आप चूज़ करोगे उसका शायद डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बट एट द एंड हमें उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिनकी ज़रूरत नहीं है, स्मार्टफोन फ्री रहेगा, उसकी रैम साइज़ थोड़ा सा जैसे 4 GB रैम है तो पहले से इतनी सारी एप्लीकेशन ठूस ठूस के प्री इंस्टॉल दे दी जाती है जिनको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रैम को कवर कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, स्मार्टफोन बूस्ट हो जाएगा, स्मार्टफोन थोड़ा सा चुस्त फुस्त हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करने लग जाएगा, स्मूथली काम करने लग जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है अगर CCI इसके साथ में काम करके और गवर्नमेंट इसका थोड़ा सा अप्रूवमेंट दे देती है गूगल प्ले स्टोर के अगेंस्ट में फ़ोन पे प्ले स्टोर को, और कहीं ना कहीं इसका नाम भी आया है कि वो शायद से स्विच के नाम से जाना जाएगा ऐसा कुछ है, तो देखने वाली बात रहेगी किस हिसाब से आता है फोन पे अपने प्ले स्टोर को लेकर के। बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ से कितना सहमत हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए, हम नहीं चाहते। देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी मर्जी मैं कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करूँ, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करूँ, कि मेरे ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। और हाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ये प्ले स्टोर आ रहे हैं इन पे कम से कम एड शो ना हो, अगर एड शो होंगी तो फिर ना चाहते हुए हमें गूगल प्ले स्टोर को ही यूज़ करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ तक आए तो सिंपल सी बात आपने पूरी वीडियो देखी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ही जाना है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।